ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplayschool.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। शनिवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ COVID-19 वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सांसद श्री सिग्रीवाल आवश्यक जानकारी हासिल कर जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। दवा, वैक्सीन व ऑक्सीजन सिलेंडर की हमारे यहाँ कमी नहीं है। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर साजन कुमार, डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक राजू कुमार, LT सुनील कुमार, जदयू के जिला महामंत्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह उर्फ भवानी मुन्ना, भाजपा नेता चैतेंद्र नाथ सिंह, भाजपा जिला कार्यकर्ता समिति सदस्य बंटी ओझा, एकमा नगर भाजपा अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह पप्पू, एकमा पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष अविनाश चंद्र, उपाध्याय रोहित गिरी, यह सभी मौजूद थे। 16,101 वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें फर्स्ट डोज के अलावे सेकंड डोज 2,819 हुआ है। फर्स्ट डोज 13,282, सेकंड डोज 2,819, टोटल 16,101 हुआ है। टोटल जो टेस्ट अभी तक हुआ है रैपिड टेस्ट में, एंटीजन टेस्ट, उसमें 2,448 हुआ है और उसमें एकमा में 99 पॉजिटिव मिला है। ऐसे अदर्स जगह पर जो टेस्ट हुआ है उसमें 33 उसमें पॉजिटिव मिला है। टोटल 132 पॉजिटिव अभी एकमा में है। अभी इस मुख्यालय के अलावे 5 जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ हो रहा है और पंचायतों में रामपुर, चनचौरा, एकसार, रसूलपुर, नगर पंचायत नवादा, जमनपुरा, बनपुरा, देवपुरा, असहनी, अतरसन, परसा, फुचटी, पचुआ, इन जगहों पर पंचायतों में भी कैंप लगा है। अभी अब कैंप रोटेशन वाइज पंचायतों में भी लगते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 1 मई से 18 साल के राज्य और देश के लिए, और इसलिए हम सबको इस पर पूरे सतर्कता से इस वैक्सीन लेना भी है, दिलवाना भी है, जागरूक भी करना है और देश को बचाना है। हमें पूरे एकमा को, जिला को, राज्य और देश को जब हमें कोरोना मुक्त करना है तो हमें जागरूक होकर के हम कर सकते हैं। और इसमें यह नहीं है कि कोई पार्टी है, कोई जाति है, सबको यह वैक्सीन लेना है। जिनका बाड़ी आ रहा है, मानी जब सरकार के द्वारा निर्धारित आ रहा है, तो सबको वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। और यह नहीं कि सिर्फ ZC माताएं बहने भी, घर के एक एक लोग को वैक्सीन ले, इसका हम सब लोगों को जागरूकता भी पैदा करना है। यह हम सबके मिलीजुली प्रयास से होगा। इसके लिए हम किसी पर थोप नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं, हम कितना जागरूक किए, हम इसके बचाव के लिए क्या प्रयास किए, यह काउंट होने वाला है। हम यह थोप नहीं सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, डॉक्टर किए, तो यह नहीं कि निफिक्र हो गए। कोरोना का सुई लेने के बाद में हमें बचते रहना है, लेकिन कोरोना का सुई लेना हमारे लिए सबके लिए मैंने एकदम सुरक्षा कवच है। सुरक्षा के साथ हम अपने जिंदगी को आगे जीने के लिए हम सबको उत्साहित करके कोरोना का सुई लें, यह हम सबके प्रयास आवश्यक है। और मैं आज अपील कर रहा हूँ पूरे एकमा वासियों से, सारण वासियों से भी, कि आप सभी कोरोना का टीका लें, जिनकी बारी दवाएं लें, देने के लिए लोगों को प्रेरित करें और उसके बाद भी बिना कोई काम का बाजार और सामूहिक जगह पर न जाएं। सामूहिक जगहों पर कम से कम संख्या रहे, इसका पालन करें आप। बाजार में आने जाने का जो नियम नियमावली जो सरकार ने बनाया है, जो स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, उसको आप पालन करने का काम करें। और बिना मास्क का तो एक देख भी निकले ही नहीं, बिना काम का भी एक